watching my channel Noble English. In my last video I taught you noun and its kinds, but today I am going to teach you pronoun and its kind. सबसे पहले हम देखते हैं कि इस लफ्ज का मतलब क्या है, प्रोनाउन का रियल में मतलब क्या है. और प्रोनाउन का रियल में मतलब इसम ज़मीर है, लेकिन ये प्रोनाउन टू वर्ड से मिलकर बना है, प्रो और नाउन से. प्रो का मतलब है फॉर, यानी के लिए, नाउन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले अल्फाज. प्रोनाउन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन की जगह इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे मैं, तुम, वो. और इंग्लिश में हम इन्हें कहते हैं यू, वी, ही. नाउन के बारे में मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, किसी भी चीज़ के नाम को नाउन कहते हैं. ऐसे वर्ड्स जो नाउन की जगह इस्तेमाल किए जाते हैं वो प्रोनाउन हैं. प्रोनाउन की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता. इनका दुनिया में आना बहुत ही ज़रूरी था. अगर ये ना होते तो बस हर चीज़ का नाम ही लेकर रह जाते. मसलन अली इज़ अ बॉय, अली इज़ अ स्टूडेंट, अली इज़ फादर इज़ अ फार्मर. बार बार अली का नाम लेना ये मुनासिब नहीं लग रहा. अगर हमें अली की जगह यूँ यूज़ कर लूँ वर्ड अली इज़ अ बॉय, ही इज़ अ स्टूडेंट, ही इज़ फादर इज़ अ फार्मर, तो ये ज़्यादा मौजू लग रहा है. और इस तरह की एग्जांपल ये देखें, अली इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ अ स्टूडेंट, हीज फादर इज़ अ फार्मर, ये ज़्यादा मुनासिब भी लग रहा है. अब समझ में आया कि क्यों पढ़ रहे हैं हम प्रोनाउन. अगर समझ में आ गया तो आप वीडियो को लाइक करें. कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ें लॉजिकल हैं. यहाँ भी जहाँ भी कोई नाम हो, नाम की जगह जो वर्ड्स भी इस्तेमाल होगा वो है प्रोनाउन. आई होप कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा. चलें अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं. अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन. एक प्रोनाउन एक ऐसा लफ्ज है जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है. फॉर एग्जाम्पल ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे. और प्रोनाउन सिर्फ यही नहीं, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, बस यही कंसेप्ट हो, ये तो बचपन से ही हम पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इसकी बहुत सी काइंड हैं. अगर हम सवाल करते हैं कि कौन आ रहा है, ठीक है, उसका जवाब देंगे कि सना आ रही है. अब मैंने सना के लिए कौन यूज़ किया है, तो ये कौन भी इसम ज़मीर है, ठीक है. इसकी बहुत सी काइंड्स हैं. अब हम पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. सबसे पहले है पर्सनल प्रोनाउन. इसम ज़मीर शख्सी, यह हमें शख्स के बारे में बताएगा. सेकेंड पे है इन पर्सनल प्रोनाउन. इसम ज़मीर गैर शख्सी. नंबर थ्री पे है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. इसम ज़मीर इस्तफहामिया. नंबर फोर पे है रिलेटिव प्रोनाउन. इसम ज़मीर मौसूला. नंबर फाइव डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. इसम ज़मीर इशारा. नंबर सिक्स पे है इंडेफिनेट प्रोनाउन. इसम ज़मीर तनकीरी. नंबर सेवन में है रेसिप्रोकल प्रोनाउन. इसम ज़मीर मुतलक बाहम. और नंबर एट पे है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. इसम ज़मीर माकूस. नंबर नाइन पे है इम्फेटिक प्रोनाउन. इसम ज़मीर ताकीदी. और नंबर टेन पे है पोसेसिव प्रोनाउन, मलकियती ज़मीर. नंबर अलेवन पे है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. इसम ज़मीर तकसीमी. नंबर ट्वेल्व पे है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन. इसम ज़मीर इस्तजाबिया. फर्स्ट इसकी काइंड है पर्सनल प्रोनाउन. इसम ज़मीर शख्सी. इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से, इट इज़ यूज इंस्टेड ऑफ अ नेम. ये नाम की बजाय इस्तेमाल होता है, ठीक है. इसमें चूँकि लोगों की बातें होती हैं, इसलिए ये पर्सनल प्रोनाउन है. ये इसम ज़मीर किसी नाम की जगह इस्तेमाल होता है, इनमें लोगों की बातें होती हैं, और ये तीन तरह के होते हैं, ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन. दे आर ऑफ थ्री टाइप्स. फर्स्ट पर्सन, इसका मतलब होता है मुतकल्लम, बोलने वाला खुद, यानी इसमें फर्स्ट पर्सन में आएंगे आई, वी, बस टू ही आते हैं इनमें. और सेकंड पर्सन मुखातिब, जिससे बात की जाए, ठीक है, उसमें सिर्फ यू, तुम या आप, बस यही आता है. थर्ड पर्सन गाइब, जिसके मुतलिक बात की जाए, यानी कि ही, शी, इट, दे इसमें आएंगे, ठीक है. आप खुद बात करेंगे तो आई, वी, या तो मैं बात करूँगा या हम मिल के बात करेंगे, फर्स्ट पर्सन बन जाएंगे. जिससे सामने जो शख्स होगा उससे बात करेंगे तो वो सेकंड पर्सन हो जाएगा. अगर जो है हमारे अलावा थर्ड पर्सन होगा उसके बारे में बात करेंगे, ही, शी, इट, दे में के बारे में, तो वो थर्ड पर्सन बन जाएगा. अब
केस ऑफ प्रोनाउन है, प्रोनाउन के हाल, प्रोनाउन की हालतें भी हैं, यानी कि ये किस हालत में इस्तेमाल होगा, सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस, फाइली हालत, पोसेसिव केस, अजाफी या मलकियती हालत, ऑब्जेक्टिव केस, मफूली हालत। अब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि फर्स्ट पर्सन आई वी है। अब इसकी सब्जेक्टिव केस, इसका सब्जेक्टिव केस तो है आई, इसका पोसेसिव केस देखें माई और माइन, ठीक है, और इसका ऑब्जेक्टिव केस देखें मी, आई माई माइन मी, ठीक है। दूसरा फर्स्ट पर्सन है वी, वी का आगे देखें आवर, आवर्स, अस, ठीक है। सेकंड पर्सन देखें यू, योर, योर्स, यू, यू सब्जेक्टिव केस में भी यू रहता है और ऑब्जेक्टिव केस में भी यू रहता है, जबकि इसकी पोसेसिव केस जो है ना योर और योर्स है, ठीक है। और थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दे है, ही, हिज, हिम, और शी, हर, हर्स और हर, इट, इट्स, इट, दे, देयर, देयर्स, देम, ठीक है। ये सब्जेक्टिव केस में इतने ही आते हैं, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, और ऑब्जेक्टिव केस में मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम। लेकिन पोसेसिव केस की टू काइंड्स हैं, एक तो ये माई, आवर, योर्स, हीज, हर, इट्स, देयर, और एक है माइन, आवर्स, योर्स, हर्स, देयर्स। इसको डिटेल से हम पोसेसिव प्रोनाउन जब करेंगे उनमें पढ़ेंगे। ये जो काइंड है इनकी, ये तो नाउन के पहली काइंड नाउन से पहले ही इस्तेमाल होती है, जबकि दूसरी काइंड नाउन के बाद में इस्तेमाल होती है। एग्जाम्पल हम पोसेसिव प्रोनाउन जब करेंगे उनमें क्लियर हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आई एम ड्रिंकिंग वाटर, मैं पानी पी रहा हूँ। अब देखें इसमें फर्स्ट पर्सन आया है, मैं पानी पी रहा हूँ, मैं इसमें फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। हम इसकी कौन सी केस लगाएंगे आप? अब हम इसकी सब्जेक्टिव केस यूज़ कर रहे हैं, आई एम ड्रिंकिंग वाटर, वो मुझसे बात करता है, ठीक है। ये तो वो आया है थर्ड पर्सन सब्जेक्टिव केस में, लेकिन इसमें मुझ, ये वाला, ये अब आई की इसमें आई है, सब्जेक्टिव केस आई है मी, ही टॉक टू मी, वो मुझसे बात करता है। अब जो है ना मी मफूली हालत में आ गया, यानी सब्जेक्टिव केस में आ गया है, तो इसलिए ये प्रोनाउन की सब्जेक्टिव केस है। ये मेरी किताब है, अब इसमें हमने यूज़ किया है मेरी, ये है पोसेसिव केस। अब इसमें पोसेसिव केस में भी टू काइंड्स हैं, अब आपको कैसे पता चले कि ये कौन सी काइंड है? जब आप देखें कि नाउन से पहले है, पहली काइंड नाउन से पहले यूज़ करेंगे, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर हो गया, ये मेरी किताब है, दिस इज़ माई बुक, नाउन से पहले यूज़ किया है, ये मेरी है, इसमें कोई नाउन यूज़ नहीं किया, इसलिए दिस इज़ माइन, नाउन ही नहीं है, ये किताब मेरी है। अब किताब का जिक्र तो पहले आ गया, नाउन पहले आ गया, तो इसलिए हम यूज़ करेंगे इसकी दूसरी काइंड, क्योंकि नाउन तो बाद में है ही नहीं, तो बाद में तो पोसेसिव केस आ गया, दिस बुक इज़ माइन, ठीक है। अब हम इसकी सेकेंड केस, सेकेंड काइंड पढ़ेंगे। सेकेंड काइंड है प्रोनाउन की इम्पर्सनल प्रोनाउन, मतलब मैंने इसका पहले भी आपको बताया था, इसम ज़मीर गैर शख्सी, जिसमें शख्स की बातें होती हैं, तो वो होता है पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। उसमें आई, वी, ही, शी, इट, यू और दे ये लगाते हैं, ठीक है। और इम्पर्सनल प्रोनाउन जो है इसमें सिर्फ इट यूज होता है, ठीक है। अब हम इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन करते हैं। इट इज यूज्ड फॉर थिंग्स एंड एनिमल्स, ये चीजों और जानवरों के लिए इस्तेमाल होता है। इट नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी इस्तेमाल होता है, लेकिन ये लिविंग के लिए भी इस्तेमाल होता है, ऐसी लिविंग थिंग्स जिनका कोई जेंडर ही हमें मालूम ना हो, जैसे कि बेबी है, ठीक है, हमें नहीं मालूम ये बेबी जो है इसका जेंडर क्या है, हम उसके लिए इट यूज़ करेंगे। और एनिमल के बारे में भी
समटाइम नहीं पता था उनका जेंडर, तो उसके लिए भी हम इट यूज करेंगे। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल थोड़ी सी देखें, देखें इट इज अ पेन। ठीक है, पेन एक चीज है, इसके लिए हमने इट यूज किया। सेकेंड एग्जाम्पल देखें, इट इज अ कैट, एक बिल्ली है, जानवर के लिए इट यूज किया। नंबर थ्री पे देखें एग्जाम्पल, इट इज आवर होम, ये भी नॉन लिविंग थिंग है, ये हमारा घर है, इसके लिए भी हमने इट यूज किया। प्रोनाउन की थर्ड काइंड है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इसम ज़मीर इस्तफहामिया। अब इसकी डेफिनेशन देखें, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस, ये सवाल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल विच, सवाल के लिए यूज करें, हु, हूज, हूम, ये इसी की पोसेसिव केस है और ये इसकी सब्जेक्टिव केस है, हूज, हूज, हूम और व्हाट। ये हमने टेंसेस में भी किए थे, जब मैं डबल इंट्रोगेटिव अपर डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आपको करवाया करती थी, जब उनके स्टार्ट में हम यूज किया करते थे, ये वही हैं, ये इन्हें इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस भी कहते हैं। एटसेट्रा, अब देखें ये कैसे यूज होंगे। फॉर एग्जाम्पल हु इज कमिंग, ठीक है, कौन आ रहा है। ठीक है, अब जो है ये हमने किसी के लिए पूछा है कौन आ रहा है, अगर हम इसका आंसर देते हैं सना इज कमिंग, तो सना आ रही है, तो सना की जगह हमने क्वेश्चन के लिए हु यूज किया। ठीक है, अब किसी नाम की जगह पे जो वर्ड भी यूज हुआ है वो है प्रोनाउन, इसलिए ये कौन सा प्रोनाउन है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक, अब एक और क्वेश्चन देखें, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। ठीक है, ये आ रहे हैं हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, किसी से नाम पूछा है वो नाम बताएगी, माय नेम इज सना। ठीक है, अब उसके लिए हमने इंग्लिश में क्या यूज किया है, क्या, व्हाट, तो ये भी हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया। अब इसमें उर्दू में ये कौन, और इधर देखें तुम्हारा नाम क्या है, अब हमने नाउन की जगह क्या यूज किया क्वेश्चन आस्क करने के लिए। यहाँ पे एक थोड़ा सा मैं डाउट क्लियर करना चाहती हूँ, वो ये कि ये देखें विच इज योर पेन, ठीक है, तुम्हारा पेन कौन सा है। ठीक है, विच इज योर पेन, तुम्हारा पेन कौन सा है, लेकिन एक मैं और इसी तरह के लिखती हूँ, विच पेन इज योर्स, कौन सा पेन तुम्हारा है। ठीक है, अब विच तो यहाँ पे भी आया, विच यहाँ पे भी है, लेकिन ये सिर्फ क्वेश्चन आस्क करने के लिए हमने विच यूज किया, जबकि यहाँ पे हमने नाउन से पहले यूज किया। जब नाउन से पहले विच हम यू एक साथ इस्तेमाल करेंगे तो ये तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बन जाएगा। ठीक है, जबकि ये इंट्रोगेटिव
प्रॉपर नाउन नहीं है, ये एडजेक्टिव है. ओके, इसे हम कहेंगे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव. जब हम एडजेक्टिव की काइंड्स पढ़ेंगे ना, उसमें भी ये पढ़ेंगे. अब इतना सा फर्क है कि नाउन के साथ हो तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बन जाएगा, जबकि नाउन के साथ ना हो, नाउन बिल्कुल एंड में यूज किया हो, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा. ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं. फोर काइंड प्रोनाउन की है. रिलेटिव प्रोनाउन इज़ ज़मीर मौसूला. इसकी डेफिनेशन देखें. इट इज यूज इन द मिडल टू ज्वाइन द सेंटेंसेस बाय डिनोटिंग रिलेशन टू द एंटीसीडेंट. ठीक है, ये दो जुमलों को आपस में मिलाने के लिए यूज होता है और एक उन जुमलों का आपस में ताल्लुक भी जाहिर करता है. एंटीसीडेंट का जिसका पहले से जिक्र किया गया हो. ठीक है, और ये कौन से रिलेटिव प्रोनाउन है जो आपस में ताल्लुक जाहिर करते हैं? हु, हूज, होम. ये हु, हूज, होम ये सब्जेक्टिव केस है और ये इसका पोसेसिव केस है और ये इसी का ही ऑब्जेक्टिव केस है. ठीक है, और विच और दैट. ठीक है, अब ये किन के साथ इस्तेमाल होता है? हु, हूज, होम, विच और दैट. ये हु सिर्फ इंसानों के लिए यूज करते हैं हम. विच अब इंसानों के लिए कैसे यूज करते हैं? जैसे ये देखें, आई सॉ द थीव हु स्टोल माय वॉच. ठीक है, मैंने एक चोर देखा जिसने मेरी घड़ी चुराई. ठीक है, अब हु जो है ना वो थीव के लिए भी यूज हुआ, यानी नाउन की जगह पे हमने जो उसको उसका जिक्र पहले आ गया, नाउन का एंटीसीडेंट है ये. ठीक है, इसका जिक्र पहले आ गया, इसके फौरन बाद जो हमने इंसानों के लिए यूज करना है हमने हु यूज करना है. ठीक है, और आप ये देखें, इसके नाउन के साथ यूज होने के अलावा ये टू सेंटेंसेस को ज्वाइन भी कर रहा है साथ. ठीक है, और अब नेक्स्ट देखें, विच किसके लिए इस्तेमाल होता है? जानवरों चीजों के लिए हम यूज करते हैं. ये देखें, आई हैव रीड द बुक. मैं किताब पढ़ चुकी हूँ. यू गेव मी, जो तुमने मुझे दी. अब ये विच बुक के लिए यानी चीज के लिए इस्तेमाल हुआ है. ठीक है, अब दैट इंसानों जानवरों चीजों के लिए यूज करते हैं. ठीक है, बेजन चीजों के लिए भी दैट लगाते हैं. जैसे देखिए, दिस इज द हाउस. ये घर है, ये वही घर है दैट यू बिल्ट, जो तुमने बनाया. ठीक है, अब इनके मतलब जो है ना, अब ये सवाल में अगर आ जाएं, क्वेश्चन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के तौर पे यूज होंगे तो वो क्वेश्चन करने के लिए यूज होते हैं. वहां उनका मतलब कौन, क्या, कब, कैसे, इस तरह का होगा. लेकिन यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन में इनका मतलब होता है जो, जिसका, जिसे, जो, या फिर दैट भी जो के लिए इस्तेमाल करते हैं. अब व्हाट, अब यहाँ पे व्हाट जो है ना क्वेश्चन के लिए नहीं यूज हुआ. यहाँ पे देखो, सिर्फ चीजों के लिए यूज करते हैं, वो भी सेंटेंस के अंदर. किस तरह बताएंगे? टेल मी व्हाट यू सेड, मुझे बताओ तुमने क्या कहा. ठीक है, अब ये दरमियान में यूज हुआ है तो ये एज अ रिलेटिव प्रोनाउन यूज हुआ. अगर ये स्टार्ट में होता सवाल करने के लिए और क्वेश्चन मार्क में एंड में होता तो फिर ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता. ठीक है, ये आप अच्छी तरह से लर्न कर लें और जो है ना कंसेप्ट क्लियर कर लें, क्योंकि क्वेश्चन में, पेपर में क्वेश्चन कुछ इस तरह से आता है कि एक सेंटेंस में अंडरलाइन करेंगे और फिर जो है ना नीचे जो है ना ये इसकी काइंड्स चारों मेंशन कर देंगे. अब फिर पूछेंगे कौन सी काइंड है. ठीक है, अब आपको अच्छी तरह से ये पता होगा तो फिर ही आप जो है ना बता सकेंगे. अब देखो, व्हाट उसमें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में भी हमने किया और रिलेटिव प्रोनाउन में भी व्हाट आया है, लेकिन यूज दोनों में डिफरेंट है. हूँ, हु की ऑब्जेक्टिव है ये हूँ. ठीक है, ज़िया इज द बॉय. ज़िया एक लड़का है. हूम आई वांट, जिसे मैं चाहता हूँ. अब मैंने बात की है कि मैं उसे चाहता हूँ. मैं तो सब्जेक्ट है, उसे लड़के के लिए यूज किया है, उसे ऑब्जेक्ट बना के, इसलिए हम इसके लिए हूम यूज करेंगे. हूज, हु की ये पोसेसिव फॉर्म है. ठीक है, अजाफी हालत है हु की. दिस इज द गर्ल हुज फादर इज द डॉक्टर. यही वो लड़की है जिसका बाप डॉक्टर है. अब ये देखो, मलकियत को शो कर रही है हुज फादर, उसका बाप. ठीक है, तो इसलिए हमने पोसेसिव इसकी हु की पोसेसिव केस यूज की है. नंबर फाइव पे है डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन इसम ज़मीर इशारा.
डेफिनेशन देखें, इट इज़ यूज टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट्स, ये चीज़ों की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या फिर ऐसा इशारा हम करें जिस नाउन का पहले से जिक्र किया गया हो। इनमें कौन से प्रोनाउन शामिल हैं? दीज, दैट, दीज, दोज, ये सिंगुलर होते हैं, और ये दीज दिस की प्लूरल फॉर्म है, और दैट की प्लूरल फॉर्म दोज है। वन, वन, सच, द सेम, और एटसेट्रा। दिस इज द कार दैट आई वॉन्ट टू बाई, ये इसकी एग्जाम्पल देखें, ये कार वही है जो मैंने जो मैं खरीदना चाहता था, ठीक है, आई वॉन्ट टू बाई। अब दिस जो है ना कार की तरफ इशारा किया, ठीक है, और इसको मैंशन भी कर दिया, पहले से जिक्र कर दिया कि मैं इसे खरीदना चाहता था, ठीक। दीज आर थिंग्स, ये वही चीज़ें हैं दैट यू नीड, जिसकी आपको ज़रूरत थी, ठीक है, पहले से चीज़ों मैंशन भी कर दिया और इशारा भी कर दिया है, इसलिए ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, इशारा करने वाले प्रोनाउन। दैट इज़ योर ब्रदर, ये तुम्हारा भाई है, अब उसे इशारा किया है, ठीक है, दैट यूज़ किया है। दोज आर योर फ्रेंड्स, वो तुम्हारे दोस्त हैं, ये एक के लिए यूज़ करा है दैट, और ये ज़्यादा के लिए यूज़ किया है, इसलिए दोज आया। दिस इज़ द मैन, ये वही आदमी है, हुम आई मेट यस्टरडे, जिसे मैं कल मिला, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव केस के तौर पर हुम यूज़ किया है हमने, और ये मैन की तरफ हमने पॉइंट आउट किया है, दिस यूज़ किया है। दिस इज़ द सेम पेन, ये वही पेन है एज आई बॉट लास्ट मंथ, जो मैंने पिछले माह ख़रीदा। अब दिस जो है ना, आपने पेन की तरफ पॉइंट आउट करके कहा है, तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, और सेम भी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। नाउन की सिक्स काइंड है इनडेफिनेट प्रोनाउन, इसम ज़मीर तनकीरी, इट इज़ यूज फॉर नॉन स्पेसिफिक पर्सन आर थिंग्स, ये ऐसे शख्स या चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं जो गैर वाज़िया हों, यानी ऐसे इस्म ज़मीर जो गैर वाज़िया चीज़ों या अशख़ास की तरफ इशारा करें, इनको इनडेफिनेट प्रोनाउन कहते हैं। इनमें कौन कौन से प्रोनाउन शामिल हैं वो देखें, इनमें आ जाएगा वन, सम, नन, नथिंग, मैनी, लिटल, मोस्ट, एनी, एनीवन, एनीबॉडी, समथिंग, ईच अदर, आइदर, नाइदर, फ्यू, मच, एवरीथिंग, समवन, somebody, everybody, somewhat, no one, nobody, both, all, etc. एग्जाम्पल देखें सेंटेंसेस में हम इन्हें किस तरीके से यूज करेंगे। Someone has stolen my pen. ठीक है, किसी ने मेरा कलम चुराया है। ठीक है, अब मेंशन नहीं किया कि नाम नहीं लिया किसने चुराया है, उस शख्स का नाम नहीं लिया। ठीक है, अब जो है ना शख्स का नाम नहीं लिया और
अब किसने चुराया है, तो नाउन की जगह पे जो हमने वर्ड यूज किया है प्रोनाउन, वो है इनडेफिनेट प्रोनाउन, गैर वाज़ह है। इसमें इशारा जो किया गया है वो गैर वाज़ह प्रोनाउन की तरफ किया गया है, इसलिए ये इनडेफिनेट प्रोनाउन है। समवन हैज स्टोलन माय पेन। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, ऑल द स्टूडेंट्स फेल्ड, सारे स्टूडेंट्स फेल हो गए, ठीक है, तमाम तलबा ही फेल हो गए। अब जो है तलबा का नाम तो लिया नहीं, कौन कौन से तलबा, ठीक है, आल का लफ्ज़ यूज़ किया है, गैर वाज़ह है, पता भी नहीं चल रहा, इसलिए ये इंडेफिनेट प्रोनाउन है। वन हार्डली नोस व्हाट टू डू, कोई भी शख्स या एक शख्स बामुश्किल जानता है कि क्या करना है, ठीक है। अब शख्स का तो जिक्र किया, यानी कि कौन सा शख्स है, ठीक है, बस ऐसे कह दिया कि वो मुश्किल जानता है, तो जो वर्ड यूज़ किया गैर वाज़ह तौर पे वो है इंडेफिनेट प्रोनाउन। नेक्स्ट देखें, किसी ने आपसे पूछा वहाँ कौन कौन है, ठीक है, आप पार्टी में गए हो, किसी ने पूछा कि पार्टी में कौन कौन था, ठीक है, आप कह रहे हैं उन्हें नोबडी वॉज थियर, वहाँ तो कोई भी नहीं था, ठीक है, आप सबसे पहले जो पहुँच गए थे इसलिए नोबडी वॉज देयर, वहाँ कोई भी नहीं था, ठीक है, आपने गैर वाज़ह जवाब दिया, नोबडी वॉज देयर, तो जो नोबडी यूज़ किया है ये इनडेफिनेट प्रोनाउन आपने यूज़ किया है। एग्जांपल देखें, नन ऑफ हिज पॉइंट्स इज इम्प्रेसिव, उसकी नज़मों में से कोई भी नज़म जो है ना वो ज़्यादा मुतासर कुन नहीं है। अब देखिए नन का लफ्ज़ यूज़ किया है, लेकिन नाम नहीं यूज़ किया कि कौन सी नज़म है, ठीक है, गैर वाज़ह तौर पे जवाब दिया, इंडेफिनेट प्रोनाउन है ये नन। अब हम करेंगे काइंड प्रोनाउन की रेसिप्रोकल। प्रोनाउन इसम ज़मीर मुतअल्लिक़ फ़ाहम। अब इसकी डेफिनेशन देखें कौन कैसे होगी, इट इज यूज्ड टू रेफर टू रेसिप्रोकेट रिलेशन। ये दो चीजों का आपस में ताल्लुक को जाहिर करता है। अब इसमें हम एग्जांपल से क्लियर करते हैं कि किन चीज़ों का ताल्लुक जाहिर होगा, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। इनमें वर्ड यूज होते हैं ईच अदर, और वन अनदर। ईच अदर हम दो के लिए यूज करते हैं, वन अनदर हम दो से ज्यादा के लिए यूज करते हैं। अब यहाँ पे एक डाउट क्लियर करते हैं, ये इस्मा ज़मीर एक दूसरे की वजाहत करते हैं, जिन जुमले में वजाहत हो रही होती है एक दूसरे की वहाँ ये यूज़ होंगे, ठीक है। एग्जांपल देखें, वी शुड रेस्पेक्ट वन अनदर, हमें एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए, ठीक है, ये ज्यादा के लिए यूज किया, वी ज्यादा के लिए यूज होता है, वी शुड रेस्पेक्ट वन अनदर, हमें एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, द टू सिस्टर्स
should love each other. दो बहनों को एक दूसरे से प्यार करना चाहिए, ठीक है। अब दो का जिक्र हुआ है तो इसलिए हमने ईच अदर यूज किया, ठीक है। एक दूसरे के साथ ताल्लुक की वजाहत हो रही है। नंबर तीन पे देखें, रानी एंड रवि लव ईच अदर। रानी और रवि एक दूसरे से प्यार करते हैं। यहाँ पे भी दो लोगों का जिक्र हुआ है, ठीक है। ईच अदर और वन अनदर सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल नहीं होते, ठीक है। यहाँ पे डाउट क्लियर कर लें कि ये ईच अदर और वन अनदर एज अ सब्जेक्ट कभी भी यूज नहीं होते, स्टार्ट में नहीं आएंगे ये, एंड में ही यूज होंगे, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट, कौन सी वाली काइंड है इसकी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नंबर एट पे हम यूज करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसम जमीर माकूस, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन देखें, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर यूज्ड व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट turns back upon the subject. ये इस वक्त इस्तेमाल होते हैं जब फाइल का अमल, काम करने वाला जो शख्स है उसका अमल वापस उसकी तरफ ही मुनक्कस हो रहा हो, ठीक है। ये प्रोनाउन जोरदार तकीद के लिए इस्तेमाल होते हैं। फाइल ने काम खुद किया, यानी ये सब्जेक्ट की तरफ ही रजू करते हैं। मसलन अब ये सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं। सिंगुलर फॉर्म में जो यूज होंगे वो कौन से हैं, वो हैं माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हरसेल्फ, योरसेल्फ, इटसेल्फ, वनसेल्फ। अब प्लूरल में देखिए कौन से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएंगे। Ourselves, yourselves, themselves. अब example देखें कि I hurt myself, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे बनते हैं, ये सब्जेक्ट को देखते हुए बनते हैं। और सब्जेक्ट की जो पोसेसिव फॉर्म होती है, फर्स्ट काइंड वाली पोसेसिव फॉर्म होती है, उसके साथ सेल्फ, या सिंगुलर है तो सेल्फ और प्लूरल है तो सेल्फ, ऐड करके ये हम बनाते हैं, ठीक है। आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को जख्मी किया, या मैंने अपने आप को जख्मी किया। अब शी है, ठीक है, शी हर्ट
अभी इसकी पोसेसिव फॉर्म अभी अभी हमने पढ़ी थी, पोसेसिव में पर्सनल प्रोनाउन में, तो शी हर्ड, हर इसके साथ सेल्फ लगा देंगे, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन गया, शी हर्ड हरसेल्फ, ठीक है, ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ही हर्ड। अब आप बताएं कि ही के साथ क्या आएगा, आपने अभी अभी पढ़ा है पर्सनल प्रोनाउन में, ही की पोसेसिव फॉर्म है, इसकी इसके ऑब्जेक्ट के साथ बने, हिम सेल्फ, ठीक है, यू हर्ट योर सेल्फ, दे हर्ट themselves, ये ऑब्जेक्टिव के साथ बना है और ये पोसेसिव के साथ बना है, तो ये भी ऑब्जेक्ट के साथ और ये पोसेसिव के साथ बने हैं, ठीक है, और ये डाउट क्लियर कर लें कि ये सब जो है, यानी कि जो हम पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये बतौरे ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होते हैं, ये देखो आई हर्ट माई सेल्फ एंड में आए हैं, ठीक है, बतौरे ऑब्जेक्ट आए हैं, ठीक है, और ये सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल नहीं होते, स्टार्ट में नहीं आते, ठीक है, ये सब्जेक्ट के तौर पे नहीं आते, ये ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। हमारी नेक्स्ट काइंड है इम्फेटिक प्रोनाउन, इसम जमीर ताकीदी, ठीक है, ताकीदी कहते हैं जोर डालने वाले को, ठीक है, ऐसे अल्फाज जो जोर डालती हूँ, ठीक है, ये सेम वही है जो अभी अभी हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में पढ़े हैं, सेम वही है, ठीक है, बस इसका इस्तेमाल का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। इट इज यूज्ड as emphasize, ठीक है, ये जोर डालने के लिए बस यूज होते हैं, ठीक है, जोर किस पे डालते हैं, नाउन या प्रोनाउन पे जोर डालते हैं, क्योंकि ये तो बतौर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहे थे, सब्जेक्ट के तौर पे तो इस्तेमाल ही नहीं होते, ठीक है, जो नाउन स्टार्ट में यूज होगा या प्रोनाउन यूज होगा, ये उन पे जोर डालते हैं, जब उन पे जोर डालेंगे उनके साथ बिल्कुल यूज होंगे तो इम्फेटिक प्रोनाउन होंगे, यानी स्टार्ट में यूज होंगे तो इम्फेटिक प्रोनाउन, लास्ट में यूज होंगे सेंटेंस के तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होंगे, ठीक है। अब एग्जांपल देखें इसकी, आई माई सेल्फ विल मेक टी, ठीक है, मैं खुद ही चाय बनाऊंगी, ठीक है, अब मैं खुद जोर दिया है कि मैं खुद चाय बनाऊंगी, प्रोनाउन के साथ ही माई सेल्फ आ गया, ठीक है, खुद मैं खुद चाय बनाऊंगी, जोर डाला है, इसलिए इम्फेटिक प्रोनाउन, ठीक है। अब ये भी एग्जांपल आपके सामने जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की, अब देखो आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने जख्मी किया खुद को, ठीक है, अब जो है माई सेल्फ एंड में आया, वर्ब के बाद आया, वर्ब के बाद जब आएगा तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, जब ये नाउन या प्रोनाउन के बाद आएगा तो ये इम्फेटिक प्रोनाउन है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, ही हिमसेल्फ डिड इट, उसने खुद ये काम किया, ठीक है, अब उसने अपने आप ही जोर डाला है कि खुद काम किया है, ठीक है, तो ये है इम्फेटिक प्रोनाउन। अब प्रोनाउन की काइंड नंबर हम 10 करते हैं, पोसेसिव प्रोनाउन, मलकियती जमीर, कौन से होते हैं, देखें, इट डिनोट्स
पोसेशन, ये मलकियत जाहिर करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं इट शोज ओनरशिप। ऑनर का तो मतलब आपको मालूम होगा कि ओनरशिप जो है ना वो किसी की मलकियत को कहते हैं, ये मलकियत को जाहिर करते हैं। जब एक सेंटेंस में आप देखें प्रोनाउन जो मलकियत जाहिर करते हैं तो वो पोसेसिव प्रोनाउन होंगे। अभी हमने पोसेसिव केस देखे थे, उसमें पर्सनल प्रोनाउन में उसमें हमने मेंशन भी किया था कौन कौन से वो यूज़ होते हैं। अब देखें हमें मैंने टू काइंड बताई थी पोसेसिव प्रोनाउन केस की, एक माई थी दूसरा माइन। जो माइन था ना वो पोसेसिव प्रोनाउन में आ जाता है, ours, yours, his, hers, theirs। अब ये कैसे यूज होंगे देखें, this book is mine, ये किताब मेरी है। ठीक है, आपने सिर्फ कहा है ये किताब मेरी है, ठीक है, आपने उसके बाद किसी चीज़ का जिक्र नहीं किया है, तो लिहाजा ये आप अपनी मलकियत शो कर रहे हैं कि ये किताब मेरी है, जोर डाल रहे हैं। तो ये माइन जो यूज़ हुआ है ये पोसेसिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, दिस मोबाइल इज Yours, ये मोबाइल तुम्हारा है। ठीक है, अब जो है ना आपने जोर दिया है ये मोबाइल तुम्हारा है, yours, तुम्हारा, और उसके बाद आपने चीज को मेंशन नहीं किया, आपने चीज का जिक्र पहले ही कर दिया। जब चीज का जिक्र पहले ही आ जाता है तो फिर जो है ना आप जो प्रोनाउन यूज करेंगे वो पोसेसिव प्रोनाउन होगा। दिस शर्ट is hers, ये कमीज उसकी है, यानी उस लड़की की है। अब ये शर्ट, इस कमीज का ताल्लुक उस लड़की से कहा है कि ये कमीज उसकी है, उसके बाद ही का। ठीक है, अगर उसकी कमीज होती तो ये फिर पोसेसिव केस हर शर्ट यूज होता। ठीक है, दिस शर्ट इज hers, ये उसकी है, ये पोसेसिव प्रोनाउन है। यहाँ पे एक डाउट क्लियर करें, ये सिंगल आते हैं, ठीक है, नाउन के साथ इनका यूज नहीं होता। ठीक है, ये देखें सिंगल आए हैं, नाउन इनके बाद तो नहीं लगाया, नाउन का जिक्र तो हमने साथ में किया है, स्टार्ट में किया है। ठीक है, नाउन के साथ इनका नहीं होता, अगर नाउन के साथ होगा तो वो पोसेसिव केस की फर्स्ट वाली काइंड आएगी। ठीक है, ये अकेले ही आते हैं, सिंगल यूज होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक डाउट क्लियर करते हैं कि पोसेसिव प्रोनाउन और पोसेसिव एडजेक्टिव में क्या फर्क होता है। ठीक है, ये पोसेसिव एडजेक्टिव, वैसे हम एडजेक्टिव की काइंड्स करेंगे उसमें भी पढ़ लेंगे। पोसेसिव प्रोनाउन जो अभी अभी पढ़े हमने ये, और पोसेसिव एडजेक्टिव, ये तो वही है जो अभी मैंने लिखे हैं, माइन, ours, yours, hers, his, theirs, ये तो है possessive pronoun जो हम अभी पढ़ चुके हैं। लेकिन ये my, our जो possessive case में first kind मैंने आपको बताई थी, your, his, it, their, ये possessive adjective होंगे। ठीक है, possessive case में मैंने two kinds बताई थी, एक my और एक mine, अगर ये आ जाए तो possessive adjective होगा और ये आ जाए तो possessive pronoun होगा। थोड़ी सी example फिर clear कर लेते हैं, this mobile is mine, ठीक है,
ये मोबाइल मेरा है, जोर दिया, ये मोबाइल मेरा ही है, ठीक है। अब दूसरा देखें, दिस इज माई मोबाइल, ये मेरा मोबाइल है, ठीक है। इसमें इतना ज्यादा जोर नहीं दिया हुआ, ठीक है, और इसका जिक्र भी माई का नाम के साथ आया है, जबकि इसका नहीं अकेला इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। ये पोसेसिव प्रोनाउन है और ये पोसेसिव एडजेक्टिव है। अब प्रोनाउन की हम काइंड पढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जमीर तकसीमी। ये कौन सी किस्म होती है, देखें, इट रेफर्स टू पर्संस आर थिंग्स वन एट अ टाइम, ये बयक वक्त अशखास या अशिया की तरफ इशारा करता है, यानी एक ही वक्त में दो या दो से ज़्यादा चीज़ों की तरफ इशारा करता है। अब इनमें कौन कौन से प्रोनाउन आएंगे, देखें, ईच, आइदर, नाइदर, नन, एनी। अब जो ईच जो है वो दो के लिए, आइदर जो है ना दो से, दो में से कोई एक के लिए, और नाइदर दो में से कोई भी नहीं के लिए, नन भी, नन ज्यादा में से कोई भी नहीं, एनी कोई भी के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। नो वन भी इस्तेमाल होता है इसमें, no one, और ये सब सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं, ठीक है। इनके साथ हमेशा जो है ना वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होती है, जैसे कि हम देखें, एग्जांपल देखें आप, ईच वाय वाज गिवन, हर लड़के को दिया गया एक प्राइज, अ प्राइज, हर एक को इनाम दिया गया, ठीक है। ये ईच वाय हर एक के लिए यूज हुआ है, ये सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं, और इसके साथ आगे वर्ब भी सिंगुलर यूज होती है, अब हेल्पिंग वर्ब वाज आया। नेक्स्ट देखें, आइदर गर्ल कैन डू दैट, कोई भी एक लड़की ये काम कर सकती है, ठीक है, ये भी सिंगुलर फॉर्म में आया और इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आई है, ठीक है। अगर नाइदर आइदर ईच के बाद ऑफ आ जाए तो फिर इनके बाद जमा इसम आता है, फॉर एग्जाम्पल ईच, अब देखो ऑफ आ जाए तो, ठीक है, ये जो मैंने लिखे ईच आइदर नाइदर, ठीक है, ठीक है, इनके बाद ऑफ आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब नाउन प्लूरल यूज करेंगे, अब एग्जाम्पल देखें, ईच ऑफ द आंसर्स, जब आप करेक्शन करेंगे ना तो करेक्ट करने में भी एक रूल होता है कि यहाँ पे किस तरह से करेक्ट किया आपने, तो नाउन जो है ना प्लूरल क्यों यूज किया, वो इस ऑफ की वजह से यूज किया हमने, इज करेक्ट, ईच ऑफ द आंसर, यानी कि जवाबात में से हर एक, ये तो सिंगुलर ही है ना, ठीक है, इसके बाद जो इसम यूज हुआ है, ये नाउन यूज हुआ है ना, इसकी इसकी वजह, ये नाउन जो है ना प्लूरल यूज होगा, ठीक है, जबकि ईच सिंगुलर था, हमने हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर ही यूज की है, ठीक है, नाउन जो है ना वो प्लूरल यूज किया। अब ये इस किसको देख के लगाया, हमने ईच को देख के लगाया, ठीक है, जवाबात में से हर एक उसका सही है। आगे देखें, नाइदर ऑफ द बॉयज, लड़कों में से कोई भी इज ट्रू, सच नहीं है, यानी कोई भी सच्चा नहीं है। तो ये देखें, ये नाउन आया है, ये प्लूरल है, जबकि हमने इज लगाया है
ये सिंगुलर को देखते हुए ये सिंगल यूज किया वर्ड. आइदर देखें, नेक्स्ट देखें, आइदर ऑफ दीज टू शर्ट्स, इन दो शर्ट्स में से इज ब्लू. ठीक है, दो शर्ट्स में से कोई एक जो है ना वो है नीली. अब आइदर के लिए हमने ये हेल्पिंग वर्ब लगाई है, जबकि हमने इसको देख के नहीं लगाई. ठीक है, इस तरह यूज होता है नन ऑफ द, नन ऑफ द फोर गर्ल्स, चार लड़कियों में से कोई भी इज ब्यूटीफुल, खूबसूरत नहीं है. अब ये देखें, ये सिंगुलर यूज हो रहे हैं, जबकि इनके साथ जो नाउन है वो प्लूरल यूज हो रहा है. ठीक है, अब यहाँ पे एक डाउट क्लियर करते हैं. एक होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जो अभी हमने पढ़े हैं. ठीक है, देखिए, एक होता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. अब इनमें क्या फर्क है ये देखिए जरा. ईच ऑफ अस इज गुड, हम में से हर एक ही अच्छा है. ठीक है, ईच बॉय इज गुड, ईच बॉय इज गुड. अब इसमें क्या फर्क है, ईच तो इधर भी आया, ठीक है, ईच इधर भी आया. ठीक है, अब ये अगर अंडरलाइन हो पेपर में, आपको चूज करने में क्वेश्चन आ जाए कि ये ईच क्या है सेंटेंस के हवाले से, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है. ठीक है, हम में से हर एक अच्छा है, डिस्ट्रीब्यूटिव है. जबकि ये क्या है, ईच बॉय इज गुड, हर लड़का ही अच्छा है. ठीक है, यहाँ हम में से हर एक, यहाँ पे हर लड़का, ये हमने नाउन के साथ बिल्कुल यूज किया है. ठीक है, नाउन को प्रोमिनेंट किया हमने, इसलिए ये एडजेक्टिव के तौर पे यूज किया हमने. ठीक है, जबकि ये हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के तौर पे यूज किया है. यहाँ ईच के बाद नाउन नहीं है, जबकि यहाँ ईच के बाद नाउन है. ठीक, एक और एग्जांपल देखें. आइदर ऑफ द गर्ल्स, लड़कियों में से कोई भी ब्यूटीफुल, कोई ब्यूटीफुल है, बी आइदर गर्ल is beautiful. यहाँ पे जो आइदर गर्ल के साथ लगाया नाउन के साथ, जब नाउन के साथ आ जाएगा तो ये एडजेक्टिव बन जाएगा, जब ये नाउन के साथ नहीं आएगा तो फिर ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बन. नंबर 12 देखिए, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन. इसम जमीर इस्ताजाबिया, अप्रोनाउन यूज्ड एज एंड एक्सक्लेमेशन इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन.
एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन में कौन कौन से प्रोनाउन आ जाएंगे, वो है व्हाट, हाउ और जो हमने सेंटेंसेस की काइंड्स की थी उनमें भी करवाया था, जैसे वो लास, वो भी एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन में ही आ जाते हैं। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। व्हाट अ क्लियर हाउस, व्हाट अ क्लीन हाउस, देखें व्हाट अ क्लीन हाउस, अब इसमें साइन भी आता है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, इससे भी पता चल जाएगा ये व्हाट अब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं है, ये सवाल नहीं है पूछा जा रहा, ना ही क्वेश्चन मार्क एंड में आया है, ना ही दो ज्वाइन करने के लिए सेंटेंसेस के लिए यूज कर रहा है, ये तो साइन से पता चल रहा है, ये तो किसी खुशी या हैरत का इजहार करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जब इजहार करने के लिए यूज करें ताज्जुब का इजहार करने के लिए यूज किया जाए तो ताजुब के लिए, तो फिर वो प्रोनाउन जो हम यूज करेंगे वो होगा एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। व्हाट अ क्लीन हाउस, अब व्हाट चूज किया हमने हेल्प के लिए, तो ये एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है। नेक्स्ट देखें, व्हाट, क्या, यू डोंट नो, तुम नहीं जानते, अब देखो ये व्हाट है, क्या तुम नहीं जानते, ठीक है, ये भी एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखें, हाउ ब्यूटीफुल शी इज, कितनी खूबसूरत है वो। ठीक है, ये भी आपने हैरानगी से कहा है, हाउ यूज किया है, ये क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा। ठीक है, ये एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन आपने यूज किया है यहाँ पे। ठीक है, आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल इन योर स्टडीज, प्लीज लाइक एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, इफ यू आर न्यू ऑन माई चैनल प्लीज सब्सक्राइब इट, बी हैप्पी फॉर एवर, आई विल टीच यू एडजेक्टिव एंड इट्स काइंड्स इन माई नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।